नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल राना वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार की नई नई खबरें। दोस्तों, अभी हमने आपके लिए एक नया पेज शुरू किया है Facebook पर, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो पेज जाके लाइक कीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपके लिए कुछ वैकेंसीज लेकर आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाली हैं। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों, उस वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें, और अगर आपको आए पसंद तो कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, बस आपका यही प्यार है जिसके लिए हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि UPPSC ने काफी सारी वैकेंसी जो निकाली हैं वो किस रेजिग्नेशन के लिए हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप यहां देख रहे हैं, ऑफिसर, डायरेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर और बहुत सारी डेजिग्नेशन हैं और वैकेंसीज भी बम्पर हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों जितनी वैकेंसीज निकाली हैं वो उसमें डिप्लोमा ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और MBBS डॉक्टर्स और मास्टर, जो पोस्ट ग्रेजुएट PhD, इन सब के लिए हैं। और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये टोटल वैकेंसी हैं, आप ये देख लीजिए 1105, ये टोटल 1105 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों, तो उन सभी को डिस्कस करना तो इस छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है UPPSC का, मैं आपको लिंक में जरूर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर देखिएगा। और ये जो ऊपर आप आई बटन में बार बार आ रहा है सजेस्टेड वीडियो, इन पे आप जरूर क्लिक कीजिए, हो सकता है ये आपके काम के हों। ये सारी वैकेंसीज से रिलेटेड है, ये मैंने ऊपर आपके लिए सजेशन में डाले हुए हैं। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं डेजिग्नेशंस के बारे में। जैसे ये हैं कुछ डेजिग्नेशंस, असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर, संग्रहालय अध्यक्ष, ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, टेक्निकल ऑफिसर, ये 14 टोटल 14 डेजिग्नेशन है दोस्तों जिनके बारे में की वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, जो कि मैंने अभी हाईलाइट कर दी हैं। दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, वो काफी बड़ा है, मैं आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने की और फीस जमा कराने की डेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 14 जून, और आप 18 जून तक फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। सारा सब कुछ जो भी कुछ होगा वो ऑनलाइन ही होगा 18 जून। तो ये डेट आप जरूर याद रखिए, और अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और दोस्तों, हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 25 जून, मतलब 25 जून तक आपको ये हार्ड कॉपी वहां पहुंचा देनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अप्लाई फटाफट अप्लाई करके उसका प्रिंट लेके और हार्ड कॉपी तुरंत भेज दें, क्योंकि 25 जून तक ये हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप भेजें तो उसे स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजें। स्पीड पोस्ट में दोस्तों ये कंफर्मेशन रहता है कि आपका जो लेटर है वहां डिलीवर हो गया है। तो ये सिलेक्शन दोस्तों, इसके लिए आपका पहले रिटर्न होगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों, ये आप यहाँ सैलरी देख सकते हैं, तो सैलरी इसमें काफी अच्छी खासी है, क्योंकि सारी की सारी पब्लिक सर्विस कमीशन से है। और ये है दोस्तों फीस, सामान्य वर्ग के लिए ₹105, जनरल और ओबीसी, और ₹65 SC ST के लिए, और ₹25 है फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग भाई बहनों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा, या फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ UP के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ें, और अगर आपको ये वीडियो आया हो पसंद तो कीजिएगा लाइक, और हमारे चैनल को यूं ही देती रहिए अपना प्यार सब्सक्राइब करके। थैंक यू, बाय बाय।